हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे हम लोग जावा में अपना कोड करते हैं एक्लिप्स आईडी के ऊपर या फिर स्प्रिंग टूल सूट, हमारे पास ये जो आईडी ऑलरेडी वहाँ पर ओपन है, हम लोग इस पर बेसिकली जावा का कोड जनरली करते हैं। तो इस पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम बेसिकली यही आती है कि लेट सपोज अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेस एक है द कोडर्स टीवी वर्क स्पेस, इसके अंदर हमने ये प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट कर रखा है, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या प्रॉब्लम जनरली फेस करते हैं, लेट सपोज हमने कोई एक क्लास बनाई यहाँ पर एपीपी नाम से, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमें जैसे देखो यहाँ पर जैसे हमने मेन लिखा, मेन लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर जब जैसे कि अगर मैकबुक की बात करें तो कंट्रोल और स्पेस दबाते हैं, तब इसके बाद हमें सजेशंस मिलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने मेन लिखा, हमें मेन लिखते ही सजेशन नहीं मिला इस पूरे मेन मेथड का, तो बेसिकली ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। अब लेट सपोज हम अगर यहाँ पर मेन क्लास के अंदर अगर एरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा ARRAYLIST, ठीक है, अब इस तरीके से इतना लिखने पर हमें कोई सजेशन नहीं मिल रहा, हम जब कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे उसके बाद तब जाकर के हमें सजेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं ऑन टाइपिंग पे हमें यहाँ पर कोई भी सजेशंस नहीं मिलता है एक्लिप्स आईडी के अंदर या फिर स्प्रिंग टूल सूट ही क्यों ना। तो इसको इनेबल करने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर ऑलरेडी यहाँ पर स्प्रिंग टूल सूट या फिर एक्लिप्स की बात कर लो, दोनों में अवेलेबल है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं होता है। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे ही तुम अगर कोई चीज़ बनाते हो, लेट सपोज तुम कुछ भी अगर लाइक हैश मैप तुमने लिखा, ठीक है, जिसे हैश मैप हम लिख रहे हैं, तो देखो इसमें भी कोई सजेशंस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस प्लगइन को इनेबल कर लेने से, उस फीचर को इनेबल कर लेने से हमें कोडिंग का यहाँ पर जो कोड होगा, जो भी हम लोग लिख रहे हैं, उसका सजेशंस हमें ऑटोमेटिक तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा हैश मैप जैसे हमने लिखा, तो इसको लिखने के बाद हमें कंट्रोल स्पेस दबाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो देगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको इनेबल नहीं करते हैं तो हमें हर बार ऐसे क्या है कंट्रोल और स्पेस दबाना पड़ता है। तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आकर के हमें सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे आने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा कंटेंट असिस्ट, इसके बाद तुम ये जो जावा का सेक्शन देख रहे हो, जावा के सेक्शन के अंदर ये कंटेंट असिस्ट जो है ये, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पर तुम्हारे सामने एक सेक्शन खुलेगा ऑटो एक्टिवेशन, ठीक है। ऑटो एक्टिवेशन के अंदर एक ये सेकेंड फील्ड है जो ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर्स फॉर जावा, ठीक है, इसमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉट पहले से देखो लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इतना करना है ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स डाल देने हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से। उसके बाद सिंपली यहाँ पर तुम्हें अप्लाई कर देना है और अप्लाई एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखो लेट सपोज जैसे ही यहाँ पर हम मेन लिखेंगे, हमें तुरंत यहाँ पर सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जैसे ही लिखा मेन, देखो तुरंत हमें सजेशन मिल गया, ठीक है, मतलब कंट्रोल और स्पेस दबाने की ज़रूरत पड़ी नहीं हमें इस बार। जैसे ही हमने यहाँ पर मेन लिखा और एंटर करेंगे तो देखो पूरा हमें सजेशन मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है, हम लेट सपोज स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, स्कैनर क्लास, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने लिखा एस लिखा, उसके बाद जैसे ही हमने सी ए लिखा, तुरंत देखो स्कैनर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ एस और सी लिखना है, पूरे ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। सिस्टम जैसे ही लिखेंगे देखो पूरा सिस्टम आ गया, डॉट इन। तो बेसिकली ये प्लगइन, ये जो फीचर है, ये हमें ऐसे हेल्प करता है कि यहाँ पर हमें पूरा वर्ड लिख करके कंट्रोल स्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है ऑटो सजेशन के लिए, ठीक है। सिंपली यहाँ पर लेट सपोज अगर हम हैश मैप लेते हैं, एरे लिस्ट लेते हैं, अगर हमने सिंपल इतना लिखा ARRAYLI, देखो इतना लिखने से एरे लिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ ए और एल लिख देते हैं, लाइक ए आर लिखा और एल लिख दिया, तो देखो तब भी हमें एरे लिस्ट मिल गया, ठीक है। अब हमने इस पर एरे लिस्ट यहाँ पर बना दिया। उसके बाद अगर हम लिखते हैं लाइक इक्वल्स टू न्यू, हमने फिर से लिखा ए आर एल, देखो एरे लिस्ट हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हैश मैप की बात करें तो लेट सपोज हमने यहाँ पर लिखा हैश एच ए एम,
हैश मैप देखो इतना, खाली इतना लिखने से तुम्हारे को हैश मैप यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है, इतना लिखने से हैश मैप मिल गया। उसके बाद तुमने यहाँ पर एच एम इक्वल्स टू सिर्फ एच ए एम लिखा और हैश मैप आ गया, ठीक है। तो ये जो फीचर है बेसिकली हम लोगों को हेल्प करता है कि हम यहाँ पर कोड को ऑटो सजेशन उसका इनेबल कर पाएँ, ताकि हमें हर बार कंट्रोल और स्पेस ना लिखना पड़े। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ए आर आर ए वाई एल आई एस टी लिखते थे और फिर उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाते थे, तब जा करके वो इम्पोर्ट होता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारी इम्पोर्ट जो हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, जब वो चीज़ इनेबल नहीं थी पहले, जिसको हमने अभी इनेबल किया है। तो तुम्हें इसके पहले क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तुमने यहाँ पर ए आर आर एल आई एस टी ऐसे पूरा लिखना पड़ता था, उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ता था, तब जा करके यहाँ पर इम्पोर्ट स्टेटमेंट आती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट सपोज तुम यहाँ पर अगर एरे लिस्ट अगर क्रिएट कर रहे हो, इतना लिखते ही एरे लिस्ट तुमने एंटर किया, ऑटोमेटिक इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऊपर आ गई, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि Eclipse या फिर STS ID जो हमारी Spring Tool Suite ID है, उसके अंदर कैसे हम कोड को ऑटो सजेशन इसमें इनेबल करते हैं और उसका यूज़ अच्छे से करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।